बच्चों, अब हम करना है चैप्टर नंबर 9, चतुर चरवाहा। ठीक है, तो देखते हैं। चतुर का मतलब होता है चालाक और चरवाहा का मतलब होता है जो गाय और भेड़ इनको जंगल में चराने जाता है। तो सबसे पहले देखें क्या लिखा हुआ है, पाठ प्रवेश। तो इसमें अगर हम पढ़ें बच्चों, तो इसमें लिखा है पहेली बूझना, बुझाना, बुद्धि चातुर्य के साथ साथ एक प्रकार की कला भी होती है। बुल्गारिया की यह लोक कथा एक ऐसे ही चरवाहे की है, चरवाहे की कहानी है, जो अपनी पहेलियों से किसी को भी आश्चर्यचकित कर देता था। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि जो स्टोरी है ये बुल्गारिया की है। बुल्गारिया मतलब एक अलग जगह है, हमारे देश में नहीं है, हमारे देश से बाहर की, विदेश में। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले लिखा है चरवाहे का नाम, और चरवाहे का नाम है मनुआ। तो मनुआ चतुर चरवाहा था। भेड़ों को चराते हुए एक दिन वह चिल्लाया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लिखा हुआ था, इस पर नाम लिखा हुआ है और एक दिन वो अचानक से चिल्लाया। देखो क्या चिल्लाया, वो चिल्लाया, मैंने पहेली बूझ ली, मैंने पहेली बूझ ली। वहीं से एक घुड़सवार जा रहा था। घुड़सवार यानी जो घोड़े पर सवारी कर रहा है। ठीक है, हॉर्स राइडर। ओके, तो वो बोलता है, ए लड़के, तुमने मेरे घोड़े को इतना क्यों डरा दिया? क्योंकि शोर हुआ, शोर से क्या, कई बार घोड़ा डर जाता है। क्या तुम बिना शोर मचाए चुपचाप अपनी भेड़ों को नहीं चरा सकते? तो उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, किसने, घुड़सवार ने, किससे, मनुआ से। ओके, तो देखो मनुआ क्या कहता है, मनुआ कहता है कि मैंने जानबूझकर यानी कि नॉइंगली, मैंने जानबूझकर उसे नहीं डराया। अच्छा, तो फिर तुम चिल्लाए क्यों? घुड़सवार कह रहा है कि अच्छी, चलो मैं बात मान लेता हूँ, कि तो फिर ये बताओ कि तुम चिल्लाए क्यों, तुमने अपनी फर की टोपी नीचे क्यों फेंकी? ठीक है, तो नए क्वेश्चन है उनके, और उनके नए आंसर्स हैं, मैंने एक बड़ी पहेली बूझ ली है, तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। तो मनुआ ने ये बताया। तो घुड़सवार क्या कहता है, तुम्हारी पहेली क्या थी मुझे बताओ, मैं भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो मनुआ कहता है, वह क्या चीज है जो आदमी से ऊंची भी है और मुर्गी से छोटी भी? घुड़सवार सोचते हुए, ठीक है, तो जब पहेली पूछी मनुआ ने, तो घुड़सवार को उसका कोई आंसर नहीं आ रहा था, तो वो सोचते हुए उसके बाद फिर फाइनली उसने अपनी हार मान ली और उसने बोला कि मैं हारा, बताओ क्या जवाब है? तो मनुआ कहता है, जनाब मेरी है टोपी, टोपी मुर्गी से छोटी है, पर जब पहन ली जाती है तो आदमी से ऊंची हो जाती है। तो बात तो बिल्कुल सही है। तो जो घुड़सवार था वो कहता है, तुम बुद्धिमान हो, मैं तुम्हारी भेड़ों में से एक भेड़ खरीदना चाहता हूँ, मुंह मांगा धन दूंगा। मुंह मांगा मतलब वट एवर बी द कॉस्ट, आई विल पे। ठीक है, मतलब जो आपने मुंह से बोल दिया वही फाइनल। ठीक है, नो बार्गेनिंग एट ऑल। पर मुझे वह भेड़ चाहिए जो ना सफेद हो, ना काली, ना भूरी और ना चितकबरी, और ना ही किसी दूसरे रंग की। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, जो घुड़सवार है उसने एक ट्रिक खेली, एक ट्रिक की उसके साथ। उन्होंने कहा कि चलो मैं भी देखता हूँ कि ये कितना बुद्धिमान है, अपनी बुद्धिमानी की बातें कर रहा है। तो जो मनुआ था उसने कहा ठीक है, मैं आपके लिए ऐसी भेड़ तलाश करके रखूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डे, अगले दिन, अगले दिन क्या हुआ, तो अगले दिन जो ये है घुड़सवार, वो आता है, वो कहता है क्या तुम्हें भेड़ मिली जैसी मैंने तुमसे कही थी। तो मनुआ कहता है हाँ साहब, मिल गई जैसी आपने मांगी थी, मेरे बाड़े में बंद है, पर उसे लेने के लिए आदमी उस दिन भेजिएगा जिस दिन ना सोमवार हो, ना मंगलवार, ना बुधवार, ना बृहस्पतिवार, ना ही शुक्रवार, शनिवार या रविवार हो, वह किसी और दिन आए तो बेहतर होता, ठीक है। दाम जो आप देना चाहें वही दीजिएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से उसने एक ट्रिक की मनुआ के साथ घुड़सवार ने, मनुआ ने भी वैसी ही एक ट्रिक घुड़सवार के साथ कर दी। जैसे कि घुड़सवार ने कहा था कि मुझे ऐसे रंग की भेड़ चाहिए जो काली ना हो, सफेद ना हो, भूरी ना हो, ना किसी और रंग की, तो ऐसी भेड़ तो पॉसिबल नहीं है। तो मनुआ ने भी कहा कि ठीक है, आप जो आदमी जिसे आप भेजेंगे भेड़ देने के लिए, उसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार को छोड़ के कभी भी भेज दीजिए, तो ऐसा कोई दिन तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो जैसे जैसा इसे कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसा घुड़सवार ने किया मनुआ के साथ, मनुआ ने भी वैसे ही उसके साथ किया। उसके बाद जो घुड़सवार था वो बहुत खुश हुआ, उसे अच्छा लगा कि भाई ये तो वाकई में बहुत इंटेलिजेंट है। तो यह सुरीली बांसुरी तुम्हारे लिए, यह मेरी ओर से भेंट है, यानी कि गिफ्ट है। जितने सुंदर तुम जवाब देते हो उतनी ही अच्छी तरह बांसुरी बजाओ, यहाँ बांसुरी अपनी मधुर आवाज से तुम्हारा दिल बहलाएगी। कहते हैं तभी से चरवाहे और बांसुरी का गहरा संबंध है, ठीक है। ओके, तो ये हो गई आपकी स्टोरी ओवर। और इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, क्या सीखा, हल्का फुल्का मनोरंजन करना, मधुर व्यवहार और सूझबूझ। तो ये एक एंटरटेनिंग बेसिकली वो है स्टोरी, और इसमें हमें ये भी सीखा कि हमारा जो व्यवहार है वो मधुर होना चाहिए, यानी कि हमारा जो लोगों के साथ जो मिलना जुलना है वो अच्छा होना चाहिए, और सूझबूझ, सूझबूझ मतलब समझ हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बुद्धि का हमें प्रयोग करना चाहिए जब भी हमें कोई ऐसी अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन नजर आए। इसमें कुछ शब्दों के अर्थ भी दे रखे हैं, तो ये भी आपको याद कर लेना चाहिए जिससे कि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहला है बूझना, बूझना होता है जानना या समझना। इसके बाद है मुंह मांगा, मुंह मांगा यानी कि जितना मांगा जाए। फर, पर यानी कि रोएदार मुलायम कपड़ा, और बेहतर, बेहतर यानी कि अच्छा, जवाब यानी कि उत्तर, और भेंट यानी कि उपहार, ठीक है। तो ये सारे के सारे शब्द लर्न करो, जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उनसे तो मैं डायरेक्ट पूछ ही लूंगा, और जो बच्चे जिन बच्चों को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ वो अपने बड़ों को या अपने टीचर्स को ये सुना सकते हैं। इसके बाद है पाठ, बात पाठ की, मुख से यानी कि ये ओरल है, ओरल क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ओरल में कि मनुआ जोर से क्यों चिल्लाया, तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, मनुआ जोर से इसलिए चिल्लाया क्योंकि उसने एक पहेली बूझ ली थी, क्या। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, या देखिए ऊपर ही लिख देते हैं, मनुआ मनुआ, ठीक
है, जोर से इसलिए इसलिए चिल्लाया, चिल्लाया क्योंकि क्योंकि उसने एक पहेली बूझ ली थी, बूझ ली और ठीक है, समझ में आया। तो जो मनुआ था, मनुआ जोर से इसलिए चिल्लाया क्योंकि उसने एक पहेली बूझ ली थी। ठीक है, सिंपल आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुआ के चिल्लाने से कौन डरता? तो इसका आंसर बच्चों आप लिखेंगे, मनुआ के चिल्लाने से ये जो कौन लिखा है, कौन की जगह लिखेंगे, घोड़ा। ठीक है, घोड़ा, या एक घोड़ा भी लिख सकते हैं क्योंकि वो अकेला ही था। एक घोड़ा डर गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कौन की जगह आप एक घोड़ा लिख सकते हैं। मनुआ की पहेली क्या थी? तो मनुआ की पहेली थी, तो इसमें आप लिखेंगे, ये तो क्वेश्चन से ही लिख सकते हैं कि मनुआ की पहेली क्या की जगह आप लिखेंगे, यह है। क्या लिखेंगे? यह थी, और ये क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा। यह थी के बाद की ऊपर से लिख देते हैं। यह थी कि वह कौन सी चीज है, वह कौन सी चीज, वह कौन सी चीज है जो मुर्गी से नीची, जो मुर्गी से नीची और आदमी से ऊंची है, और आदमी से ऊंची है। ये उसकी पहली थी। ठीक है ना, समझ आया? तो उसकी उत्तर है कि क्वेश्चन है, मनुआ की पहेली क्या थी? आपका उत्तर होगा, मनुआ की पहेली यह थी कि वह कौन सी चीज है जो मुर्गी से नीची और आदमी से ऊंची है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुआ ने भेड़ का क्या दाम बताया? तो मनुआ ने भेड़ का दाम घुड़सवार के ऊपर ही छोड़ दिया था कि आप जो दाम चाहें दे दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे कि मनुआ ने भेड़ का दाम, तो का ये क्या तो कटी जाएगा, मनुआ ने भेड़ का दाम घुड़सवार के ऊपर ही छोड़ा था कि वह जो चाहे वह दे सकता। मनुआ ने भेड़ का दाम घुड़सवार के ऊपर छोड़ दिया था। ठीक है, छोड़ दिया था कि जो चाहे दे दे। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ कि मनुआ ने भेड़ का दाम घुड़सवार के ऊपर
छोड़ दिया था, ठीक है, कि वह जो चाहे दे दे, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद है कलम से, यानी कि आप रिटर्न वाले होंगे, तो रिटर्न वाले में देखो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनुआ ने फर की टोपी नीचे क्यों फेंक दी, तो इसका आंसर होगा कि मनुआ ने फर की टोपी नीचे फेंक दी। फेंक दी क्या है ये, फेंक दी क्योंकि, इसके आगे आप अपना लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि उसने एक पहेली बूझ ली थी, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो मनुआ ने फर की टोपी नीचे क्यों फेंकी, तो इसका आंसर होगा कि मनुआ ने फर की टोपी नीचे फेंक दी क्योंकि उसने एक पहेली बूझ ली थी, ठीक है। इसका दूसरा है, मनुआ ने पहेली का क्या जवाब सोचा था, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कि मनुआ ने पहेली का जवाब, ठीक है। और इसके बाद यहाँ बीच में आप लिख देंगे टोपी, 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 टोपी। मनुआ ने पहेली का जवाब, नहीं यहाँ नहीं लिख सकते थे, ऐसा करते हैं कि मनुआ ने पहेली का जवाब यहां लिख सकते हैं आप, तो यहां लिखेंगे आप टोपी, टोपी सोचा था, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पूर्ण विराम आ जाएगा, ठीक है। तो मनुआ ने पहेली का जवाब क्या नहीं आएगा, मनुआ ने पहेली का जवाब टोपी सोचा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़सवार ने मनुआ से कैसी भेड़ तलाश करने को कहा था, तो इसका आंसर होगा कि घुड़सवार ने मनुआ से कैसी की जगह ऐसी, है ना, कैसी की जगह ऐसी, तो ऐसी में ये क की जगह बड़ी आ जाएगी, तो ऐसी ऐसी भेड़ तलाश करने को कहा, कहा के आगे फिर आप पूरा बुक से ले सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बुक में कहा है ये पूरा, बच्चों कहा के आगे आप लिखोगे कि, कहा कि, ठीक है, और इसके आगे ये पूरा आप कॉपी कर सकते हैं, कहा कि मुझे वह भेड़ चाहिए जो ना सफेद हो, ना काली, ना भूरी और ना चितकबरी और ना ही किसी दूसरे रंग की, ठीक है। तो यहां तक ये पूरा आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुआ ने भेड़ को कब ले जाने के लिए कहा, तो इसका आंसर तो आपको याद हो ही गया होगा कि मनुआ ने भेड़ को एक ऐसे दिन ले जाने को कहा जिस दिन ना सोमवार हो, ना मंगलवार हो, ना बुधवार हो, ना बृहस्पतिवार हो, ना शुक्रवार हो, ना शनिवार हो और ना इतवार हो, ठीक है। तो ये आंसर तो आप खुद ब खुद लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि तो सारे डेज ही आपने लिखे, ठीक है। बट फिर भी अगर आप, और ये बुक से भी कॉपी कर सकते हो,
इसमें दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुड़सवार की स्वभावगत विशेषताएं स्पष्ट करें। तो घुड़सवार कैसा था? घुड़सवार चालाक था ना। तो घुड़सवार, इसमें आंसर में देखेंगे आप कि घुड़सवार की स्वभावगत विशेषताएं, और इसकी जगह लिखेंगे विशेषताएं, ये कट कर देते हैं, स्पष्ट करें, ठीक है। और इसके बाद लिखेंगे हैं, विशेषताएं हैं, ठीक है, चतुर, और चतुर और ईमानदार। तो उसने ईमानदारी से अपनी हार मानी थी, ईमानदार, ठीक है। और उसने गिफ्ट भी दिया था, तो गिफ्ट दिया था, तो क्या कह सकते हैं उसे, जो दूसरों की बड़ाई करता हो, यानी कि दिलदार, दिलदार भी कह सकते हैं, क्योंकि उसने अपनी एक बांसुरी दी थी, दिलदार, ठीक है। और बहादुर कह सकते हैं, क्योंकि बहादुर तो होगा ही, अगर वो हॉर्स राइडिंग कर रहा है तो बहादुर। और निडर कह सकते हैं, क्योंकि अकेला ही अपना हॉर्स राइडिंग पे निकला था, निडर। बस इतनी बात। इसके बाद आगे है बच्चों, किसने किससे तथा क्यों कहा, तो तुम बिना शोर मचाए अपनी भेड़ नहीं चरा सकते। तो किसने कहा? तो इसी बात है, घुड़सवार ने कहा, तो यहाँ आ जाएगा घुड़सवार, घुड़सवार। किससे कहा? मनुआ से कहा, तो यहाँ आ जाएगा मनुआ। क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि 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 उसका डर गया था, डर गया वह क्या चीज है जो आदमी से ऊंची भी है और मनुष्य से छोटी? तो ये तो मनुआ ने पूछा, मनुआ ने पूछा, किससे पूछा? घुड़सवार से पूछा। पूछा? क्योंकि क्योंकि घुड़सवार घुड़सवार भी पहेली बूझना चाहता था, पहेली बूझना चाहता था, ठीक है, ओके। इसके बाद है श्रुतलेख, तो श्रुतलेख तो आप कर ही सकते हैं। बात सोचती, क्या खुशियां बांटने से बढ़ जाती हैं? आप अपनी खुशी कैसे या किसके साथ बांटते हैं, लिखें। तो दिस इज योर होमवर्क टू योर सेल्फ, और जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनको मैं खुद चेक करूंगा, और जिनको मैं ऑफलाइन में नहीं पढ़ाता, मतलब जिनको मैं फेस टू फेस नहीं पढ़ाता, वन टू वन, वो फिर अपने टीचर से, अपने बड़ों के साथ चेक करा सकते। बात भाषा की, संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली पूरी कर, दिन का पर्याय, ठीक है, दिन का पर्याय। तो एक तो दिवस होता है, दिन का पर्याय होता है दिवस, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम दिवस, तो दी, और यहाँ पे आ जाएगा हुआ, सॉरी कुछ गड़बड़ होगी।
वाह ठीक है दिवस। और इसके बाद है जवाब का विलोम। जवाब का विलोम विलोम तो होगा प्रश्न, यानी कि ये क्या है था तो सवाल, तो सवाल हो जाएगा जवाब का विलोम। एक दिन का नाम, एक दिन का नाम ग मंगल, फिर एक रंग का नाम, एक रंग का नाम घ घ का सफेद, सफेद फिर कट्टू का लोम शब्द, कट्टू का लोम शब्द, और ये का है राम है थोड़ा भाई मधुर। पिज्जा में एक दिन का नाम रविवार, रवि वार, सारे बस एक ये बताइए क्या। अच्छा मंगलवार पूरा लिखना था, मंगलवार ठीक है हो गया पूरा। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है बच्चों बहुवचन माने, तो घोड़े का क्या होगा, घोड़े तो घो रे, पहेलियां तो प ए, ला की मात्रा हो जाएगी छोटी, पहेलियां लड़का का लड़के, ल और के, टोपी का टोपियां हुई, प पे जो मात्रा है वो छोटी हो जाएगी, और यह अखा टोपियां, भेड़ का भेड़ भेड़, मुर्गी का हो जाएगा मुर्गियां, तो मोर काफी छोटी की मात्रा, और यह मुर्गियां, चरवाहे चर वाहे एक मात्रा, यह आ जाएगा बांसुरियां, तो बा टू छोटी की मात्रा या ठीक है। चलो ये भी हो गया, इसके बाद आगे देखते हैं, आगे दे रखा है उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष के जोड़े बनाओ, तो चतुर चरवाहा ठीक है। सफेद, सफेद देखो भेड़ हो सकती है, तो जो सफेद है वो क्या हो सकती है, भेड़ हो सकती है, जो सफेद यहाँ लिख दो और इसके अपोजिट में भेड़ यहाँ लिख, सुरीली, सुरीली बांसुरी हो सकती है, सुरीली के बाद बांसुरी यहाँ लिख, सुंदर तो सुंदर, सुंदर सुंदर क्या हो सकता है, सुंदर जवाब हो सकता है ना। और अब क्या रह गया, आवाज रही, तो आवाज हाँ मधुर यहाँ आ जाएगा, मधुर और आवाज यहाँ आ जाएगा ठीक है ओके। तो नंबर नंबर लिखते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो सफेद के लिए ऐसा करते हैं, सफेद के लिए 1 नंबर और भेड़ 1 ठीक है, और ये चरवाहा तो भी पहले ही लिखा दे चुका है, तो इसे हम कट कर देते हैं, सुरीली आवाज हो जाएगी, नहीं सुरीली तो बांसुरी है, तो ये 2 और ये 2 बांसुरी, इसके बाद मधुर आवाज और सुंदर जवान, वे सारे ऐसे लिखा सकते। इसके बाद देखो एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इनफैक्ट 2 डेफिनेशन लिखी है, दोनों आपको लागू करनी है। पहली डेफिनेशन है विशेषण, तो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं ठीक है।
और जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। तो विशेष और विशेषण दोनों की परिभाषा है, आपको याद करनी है क्योंकि एग्जाम में आ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज वह मिल गई जैसी आपने मांगी थी, मेरे बारे में बंद है पर उसे लाने के लिए आदमी उस दिन भेजिएगा जिस दिन न सोमवार हो, न मंगलवार, न बुधवार, न बृहस्पतिवार और ना ही शुक्रवार, शनिवार और रविवार। उपयुक्त तो कथन में आए रंगीन चिन्ह विराम चिन्ह चलाते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत इनके अतिरिक्त कुछ और विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में जानते। तो एक होता है अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता है जब हमें थोड़ा सा रुकना हो, ठीक है, अल्प विराम, वाक्य के बीच में थोड़ी देर रुकने के लिए, पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप, अल्पविराम यानी कि कॉमा, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह यानी कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे दिन रात, खेल कूद, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क, और विस्मयादि बोधक यानी कि एक्सक्लेमेटरी सिंबल। समझ आया? जैसे वाह कितनी ऊंची मूर्ति है, जब हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी देखी तो मेरी बेटी ने कहा वाह कितनी ऊंची मूर्ति। ओके, तो वाह यानी एक्सक्लेमेशन साइन। इसके बाद है, अब आप दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाएं, तो लगा देते हैं। तो पहला है, मैंने पहली बूझ ली, तो ये तो पूरे हो गया, पूर्ण विराम आ जाएगा। ये लड़के, यहाँ पे कॉमा आएगा। तुमने मेरे घोड़े को इतना क्यों डरा दिया, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। मैंने जानबूझकर उसे नहीं डराया, ये तो फिर वापस से पूर्ण विराम। मैं हारा, बताओ क्या जवाब है। तो मैं हारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यही आना चाहिए अल्पविराम। बताओ क्या जवाब है, मुझे बताओ मैं भी बता सकता हूँ, मुझे बताओ मैं भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन इसमें कहीं भी ना एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं आया, तो वो लगता है कि हमने कहीं कुछ मिस किया। तो बुक से ये वाली जो सेंटेंस है उसमें एक बार ट्राई करना, कहीं कुछ मिसिंग हो, क्योंकि तो एक्सक्लेमेशन साइन वाला कोई तो होना चाहिए, ठीक है। जब आप बुक से देखेंगे तो आपको हो सकता है कि कहीं कोई करेक्शन मिल जाए, या फिर ऐसा करते हैं, मैं ही चेक करके देख लेता हूँ, अगर हमें मिलता है कुछ तो फिर हम उसे यहीं से यहीं करेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। जैसे कि उसने बोला था मैं हारा, अच्छा मैं हारा मैं तो सही है, वही आएगा। फिर मुझे बताओ मैं भी बता सकता हूँ, मुझे बताओ मैं भी बता सकता हूँ, तो मुझे बताओ ये भी सही है। और मैंने जानबूझकर उसे नहीं डराया, तो मैंने जानबूझकर उसे नहीं डराया, ये भी सही है, यानी कि एक्सक्लेमेशन वाला कोई है ही नहीं। चलो ठीक है, सारे सही हैं, ओके। चलो इसके बाद देखते हैं रचनात्मक अभिव्यक्ति, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो ये तो क्रिएटिविटी वाली चीजें हैं, मगर आपके मैम या सर करवाएंगे तभी कर सकते हैं। नीचे कुछ वाद्य यंत्रों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर लिखो, ठीक है। तो ये सारे वाद्य यंत्र हैं, इसमें जो जो नाम आपको पता है वो सब आपने लिख देने, ठीक है। इसके बाद दादी माँ से प्राप्त किसी उपहार का चित्र बनाइए और रंग करिए, तो ये भी एक क्रिएटिविटी है, ओके। बच्चों यहाँ ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से आपका खत्म हो गया, और अब आप इसे फटाफट से रेडी करूँ।
रेडी करने का वही तरीका है, या तो दो चार बार अपनी बुक से पढ़ो इसे, या दो चार बार इस वीडियो को देखो, और आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो आपको आ रही है, और अगर वो आप मेरे थ्रू सॉल्व कराना चाहते हैं तो डोंट हेजिटेट टू टेल मी। और मुझे बताने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9971217562। ठीक है, तो यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम एंड आई विल रिस्पॉन्ड यू एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू वेरी मच।